हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी पाठ पुस्तक के पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, उपभोक्तावाद पाठ के लेखक का क्या नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, श्यामाचरण दुबे, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद। यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, श्यामाचरण दुबे। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे पूछा गया है, विज्ञापन और प्रचार के सूक्ष्म तंत्र में कौन सी शक्ति होती है? वशीकरण, सम्मोहन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वशीकरण और सम्मोहन दोनों की शक्ति होती है, सही उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, वर्चस्व का क्या अर्थ होता है? वैश्विक, आडंबर, दबदबा, इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चा, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप प्रत्येक प्रश्न को नोट करते चलिए, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम होता है, चाहे आप वीकली टेस्ट की बात करो जो कि जल्दी स्टार्ट होगा, उसके बाद आप यहाँ पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम की बात करो या फिर फाइनल की, सभी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा कर लोगे तब आप यहाँ पे सिलेबस को ही कंप्लीट कर लिए हो, इसके बाद आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ना होगा। तो जल्दी से आप पूरा वीडियो को देखेंगे और हर एक प्रश्न को नोट करेंगे। सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, दबदबा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रतिष्ठा चिन्ह से क्या से आशय है? परीक्षा, रास्ते का चिन्ह, एकाधिकार, मान सम्मान की बात। बताना है यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा चौथे प्रश्न का। बिल्कुल सही बच्चा, चौथे का सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, मान सम्मान की बात। पांचवा प्रश्न है, सौंदर्य प्रसाधन किसे कहते हैं? सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुओं को, सुंदर वातावरण को, सुंदर दिखने वाली वस्तु को, या इनमें से सभी। पांचवे का सही उत्तर बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, ए होगा, सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुओं को सौंदर्य प्रसाधन कहते हैं। छठा प्रश्न, हास्यास्पद का क्या अर्थ है? हंसने योग, हंसते पादप, हर समय, या इनमें से कोई नहीं। छठे का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, हंसने योग। सातवां प्रश्न, आधुनिक बाजार कैसे सामानों से भरा पड़ा है? सस्ती, खर्चीली, अनुपयोगी, या विलासितापूर्ण। सातवें का सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, विलासितापूर्ण वस्तुओं से भरा है, ठीक है, डी। प्रश्न संख्या 8, लोग विज्ञापन से प्रेरित होकर सामान खरीदते समय प्रायः किस बात की ओर ध्यान नहीं देते? उत्पादों की गुणवत्ता, विज्ञापनों की सच्चाई, उत्पादों की विश्वसनीयता, या इनमें से सभी। बताना है सही उत्तर क्या होगा, एकदम सही, उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते, सही उत्तर ए होगा। हमारी वर्तमान संस्कृति कैसी है? राजनैतिक संस्कृति, पारंपरिक संस्कृति, अनुकरण संस्कृति, या वैचारिक संस्कृति। सही उत्तर होगा सी, अनुकरण, यानी उसके पास ये चीज़ है तो हमें भी चाहिए, उसके पास ये चीज़ है हमें उससे भी बेहतर चाहिए, अनुकरण की संस्कृति है। हम किसके उपनिवेश बनते जा रहे हैं? भारतीय संस्कृति के, पाश्चात्य संस्कृति के, खाड़ी देशों के संस्कृति के, या मध्य एशिया संस्कृति के। सही उत्तर होगा पाश्चात्य संस्कृति के, ठीक है, सही उत्तर बी होगा। 11वां प्रश्न, पाठ के अनुसार महिलाओं के साथ पुरुष भी किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? नाचने गाने में, मेहंदी लगाने में, घर के कामकाज करने में, या सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करने में। सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करने। बहुत ही मज़ेदार पाठ है यह पाठ, आप पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने, है ना, सौंदर्य प्रसाधन में अपने दिखावे को और बढ़ाने के लिए। 12वां प्रश्न, भारत में पहले से ही कौन सी संस्कृति के तत्व थे? सामंती, वैदिक, पाश्चात्य, या पूर्वी। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, सामंती संस्कृति। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है,
पाठ के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? धन का, नई राजनीति का, नई जीवन शैली का, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, नई जीवन शैली का। अगला प्रश्न, उपभोक्तावाद की संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? और यहाँ पे विकल्प दे रखा है, परंपराओं का विकास हो रहा है, आगे लिख रखा है यहाँ पर परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, हमारे सामाजिक मूल्य सुदृढ़ हो रहे हैं, या फिर इनमें से सभी। सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है। 15वां प्रश्न, वर्तमान सामाजिक स्थिति यह है कि सामान्य लोग ललचाई आँखों से गरीबों को देख रहे हैं, अंग्रेजों को देख रहे हैं, विशिष्ट जनों को देख रहे हैं, या इनमें से सभी। सही उत्तर सी होगा, विशिष्ट जनों को देख रहे हैं। 16वां प्रश्न, पाठ के अनुसार वर्तमान समय में लोग खाने पीने और भाग करने को क्या मानने लगे हैं? सुख, दुख, अशांति, या इनमें से सभी? जल्दी से बताना है। बिल्कुल सही, वे मानने लगे हैं यहाँ पर सुख। लेखक के अनुसार किसके बीच दूरी बढ़ रही है? परिवार के बीच, लोगों के बीच, भिन्न भिन्न वर्गों के बीच? तो भिन्न भिन्न वर्गों के बीच दूरी बढ़ रही है। सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, हमारे सामाजिक नींव किसके कारण खतरे में आ गई है? उपभोक्तावाद की संस्कृति, समाजवादी संस्कृति, सामंतवादी संस्कृति, या इनमें से कोई नहीं? 18वें का सही उत्तर यहाँ पर होगा ए, उपभोक्तावाद की संस्कृति। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा। 19वां प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संपूर्ण विकास। तो यहाँ पर मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, बताइए, संपूर्ण विकास, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति, नहीं, संपूर्ण विकास होना चाहिए। 20वां प्रश्न, भिन्न भिन्न वर्गों के बीच जीवन का बढ़ता अंतर किसको जन्म दे रहा है? सामाजिक संतुलन, सामाजिक मूल्य, अशांति और आक्रोश को, या इनमें से सभी? तो 20वें का सही उत्तर सी हो जाएगा, अशांति और आक्रोश को। 21वां प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली को सबसे पहले किस वर्ग ने अपनाया? निम्न वर्ग ने, उच्च या संपन्न वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, संपन्न या उच्च वर्ग ने। बहुत बढ़िया। 22वां प्रश्न, पाठ के आधार पर नई जीवन शैली किस बात पर आधारित है? समाजवाद, गांधीवाद, सामंतीवाद, या उपभोक्तावाद? तो ये आधारित है उपभोक्तावाद पर। सही उत्तर बी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चा। 23वां प्रश्न, उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम किस प्रकार की दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं? राजनीतिक दास्ता, बौद्धिक दास्ता, आर्थिक दास्ता, इनमें से कोई नहीं? तो हम बौद्धिक दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं। सही उत्तर बी होगा। 24वां प्रश्न, हमारी मानसिकता को परिवर्तित करने में कौन सा तंत्र काम कर रहा है? विज्ञापन और प्रचार तंत्र, यही सही होगा, यहाँ पे सही कर लेंगे, विज्ञापन और प्रचार तंत्र। चलिए, 25वां प्रश्न, गांधी जी ने किसके लिए दरवाजे और खिड़कियाँ खोले रखने को कहा है? विदेशी उपनिवेशों के लिए, विदेशी उद्योगों के लिए, स्वास्थ्य सांस्कृतिक प्रभाव के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, उन्होंने विदेशों को चीज़ों को कभी भी स्वीकार नहीं किया था, है ना। सही उत्तर होगा, स्वास्थ्य सांस्कृतिक प्रभाव के लिए। पाठ के आधार पर बताएं किसका महत्व खत्म हो गया है? प्रतिष्ठा, परंपरा, आस्था, या वेदों का? सही उत्तर भी होगा, परंपरा का महत्व खत्म हो गया है। 27वां प्रश्न, लेखक के अनुसार हमारी आस्थाओं का क्या हुआ है? रक्षा, व्यापार, क्षरण, या इनमें से सभी? तो हमारी आस्थाओं का क्षरण हुआ है। सही उत्तर सी होगा, क्षरण।
28वां प्रश्न, लेखक के अनुसार हम कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं, उत्तम, सच्चे, उन्नत या झूठे? सही उत्तर डी होगा, हम झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं, डी को आप सही करेंगे। 29वां प्रश्न, लेखक के अनुसार हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का क्या हो रहा है, पतन, विस्तार, विकास या मजबूत? सही उत्तर यहाँ पर ए होना चाहिए, पतन हो रहा है। 30वां प्रश्न, उपभोक्तावाद की संस्कृति से हमारे समाज में कैसा प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक, सकारात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? 30वें का बताइए बच्चा, बिल्कुल सही, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ए उत्तर सही है। 31वां प्रश्न, कैसी जीवन शैली हमारे समाज पर हावी होते जा रही है, पारंपरिक जीवन शैली, आर्य जीवन शैली, नूतन जीवन शैली या इनमें से सभी? 31वें का सही उत्तर सी होगा, नूतन जीवन शैली। 35वां प्रश्न, अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम किसे धोखा दे रहे हैं, अपनों को, दूसरों को, देशवासियों को या फिर विदेशियों को? सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही बच्चा, हम अपनों को धोखा दे रहे हैं, ए उत्तर सही होगा। 33वां प्रश्न, आज लोगों को आजकल लज्जा आती है किस में, तो स्वयं की संस्कृति का कपड़ा पहनने में, बिल्कुल सही, स्वयं की संस्कृति पहनने में बहुत लज्जा आएगा। यदि आपको आज, जैसे आप पुरुष हो या फिर लड़के हो, तो आपको धोती और यहाँ पे खादी की ऊपर गंजी पहनने को बोला जाए तो आप पहनोगे, नहीं पहनोगे, आपको लज्जा आएगी। वही आपको जीन्स टी शर्ट पहनने बोल दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से पहनोगे, तो स्वयं की संस्कृति का कपड़ा पहनने में लज्जा आती है, विदेशी कपड़े में हमें वो चीज़ नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है। पाठ के लेखक ने मुख्य रूप से किस मुद्दे पर विचार किया है, विज्ञापनों की तड़क भड़क, उपभोक्ता की भिन्नता, वर्ग भिन्नता और उपभोग की वृत्ति? सही उत्तर डी होगा, उपभोग की वृत्ति, एकदम सही है। 35वां प्रश्न, पाठ के अनुसार हमारा समाज किसके गिरफ्त में आता जा रहा है, विदेशियों के, सामंतों के, छद्म आधुनिकता के या फिर आध्यात्मिकता के? सही उत्तर होगा छद्म आधुनिकता के, जो छद्म है ना, दिखावे की आधुनिकता पर यहाँ पर हो रहा है। हम झूठी संतुष्टि के लिए तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, इसके कारण क्या नुकसान हो रहा है, मर्यादाएं छूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, स्वार्थ परता बढ़ रही है, इनमें से सभी? सही उत्तर डी होगा बच्चा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संस्कृति के फैलाव के कारण हमारे संसाधनों का क्या हो रहा है, घोर अपव्यय, संचयन, सदुपयोग या इनमें से सभी? सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, घोर अपव्यय। 38वां प्रश्न, लेखक के अनुसार जीवन की गुणवत्ता किससे नहीं सुधरने वाली, अंडे के छिलकों से, आलू के चिप्स से, टमाटर सॉस से या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही बात है, आप आलू के चिप्स खा लो तो उससे आपकी जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी, सही उत्तर बी होगा। निम्न में से कौन सा शब्द परिधान का पर्यायवाची है, कपड़ा, वस्त्र, पट या इनमें से सभी? सही उत्तर डी होगा, परिधान को हम कपड़ा, वस्त्र और पट सभी बोलते हैं। अगला होगा यहाँ पर, हमारे समाज में भोग की आकांक्षाएं किसको छू रही है, तो यहाँ पर छूना होगा जमीन को नहीं, बहुत सारी वस्तुओं को नहीं, आसमान को, सही उत्तर सी होगा। गांधी जी ने किस बुनियाद पर कायम रहने की बात कही है, तो उन्होंने अपनी सांस्कृतिक बुनियाद पर कायम रहने की बात कही है, सही उत्तर यहाँ पर ए करेंगे। लेखक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ को क्या समझता है, तो वह उसे कूड़ा समझता है, यह कुछ नहीं, यह कूड़ा करकट है, सही उत्तर बी होगा। उपभोक्ता संस्कृति के कारण हमारा कौन सा उद्देश्य पीछे छूट रहा है, तो देश के संपूर्ण विकास का, जो हमारा देश का संपूर्ण विकास है वह उद्देश्य पीछे छूट रहा है, सही उत्तर यहाँ पर सी होगा। 44वां प्रश्न, अनुकरण का क्या अर्थ है, परमाणु, नकल करना,
देखिए अनुकरण, अनुकरण का सही अर्थ होता है नकल करना, वो जैसा कर रहा है वैसा करना। 45वां प्रश्न, लेखक के अनुसार लोग अब कब्रों में क्या व्यवस्था करते हैं? तो कब्रों में क्या व्यवस्था करते हैं, मन चाहे फूल लगवा सकते हैं, पानी के फव्वारे और मंद ध्वनि में संगीत, ये सभी व्यवस्था आप कर सकते हैं। सही उत्तर डी होगा। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, रेखांकित पद क्या है? तो यह रेखांकित पद, देखिए सौंदर्य जो है वो संज्ञा है, सही उत्तर बी होगा। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा का जल, है ना, गंगा का जल, गंगा जल, यह तत्पुरुष समास हुआ क्योंकि कारक विभक्ति लग रही है, सही उत्तर ए होगा। शीघ्र शब्द के साथ मिलकर कौन सा पद नहीं बनेगा? शीघ्रता बिल्कुल बनेगा, यथाशीघ्र बिल्कुल बनेगा, शीघ्रमय सोचने वाली बात नहीं बन सकता है, शीघ्र अतिशीघ्र बिल्कुल, ये तीनों बनेगा लेकिन शीघ्रमय नहीं बनेगा। परिधान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो देखिए एक शब्द होता है यहाँ पर धान, उसमें हम लगा दें परि तो परिधान हो जाएगा, क्या सही है? बताएंगे, बिल्कुल सही है, परी होगा। परंपरा का संधि विच्छेद, आपको यहाँ पे सही वर्ण विच्छेद बताना है, परंपरा बताइए। देखिए तो यहाँ पर पहला वाला देखिए, पा जोड़ आ जोड़ रा जोड़ आ जोड़ मा जोड़ पर, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा परंपरा। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक का आपको विलोम बताना है बच्चा, तो आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन, सी सही होगा। निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हास्यास्पद का बताना है, बी सही होगा, हमने इसे पहले भी देखा है, प्रश्न में ही आया था। निम्न में से किस शब्द का बहुवचन संभव नहीं है? उत्पादक, उत्पादकों हो सकता है, प्रसाधन, प्रसाधनों, वनस्पति, वनस्पतियों, क्योंकि का नहीं होगा, ये बहुवचन नहीं होगा। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, बताइए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न, दिग्भ्रमित होने का क्या अर्थ है? दिग्भ्रमित, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा रास्ते से भटक जाना। अस्मिता शब्द का क्या अर्थ है? अस्तित्व, पहचान, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों होगा, अस्तित्व और पहचान। प्रस्तुत पाठ में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रतिस्पर्धा हुआ है, वशीकरण का भी हुआ है, अवमूल्यन का भी हुआ है, लेकिन सार्वभौमिक का नहीं हुआ है, डी सही होगा। श्यामा चरण दुबे का जन्म कब हुआ था? तो श्यामा चरण दुबे का जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए, श्यामा चरण दुबे ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, सी सही है। श्यामा चरण दुबे ने किस विषय में PhD की है? तो अच्छा, मैं इनके जीवन परिचय से संबंधित भी वीडियो बना दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। उन्होंने मानव विज्ञान में PhD की। इनका देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत सन 1996 में हुआ था। श्यामा चरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था? तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इनका जन्म हुआ था। कौन सी रचना श्यामा चरण दुबे की नहीं है? तो देखिए, इनकी रचनाओं को याद रखना, इनकी रचनाएं मानव संस्कृति है, मानव इतिहास का बोध है, शिक्षा तथा संस्कृति, शिक्षा के चार अध्याय, ये नहीं है, डी सही है। कौन सी रचना श्यामा चरण दुबे की नहीं है? फिर से रचना से संबंधित है, सोजे वतन, ये नहीं है। फिर से रचनाएं कौन सी श्यामा चरण दुबे की नहीं है? विकास का समाज शास्त्र। फिर से कौन सी रचना श्यामा चरण दुबे की है? तो देखिए, बीजक तो कबीर, गोदान प्रेमचंद, और यहाँ समय और संस्कृति, ये होगा समय और संस्कृति जो श्यामा चरण दुबे की है। श्यामा चरण दुबे के लेखों या रचनाओं में प्रायः लोग होते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? भारतीय के जनजातीय समाज, ग्रामीण समुदाय, दोनों होगा। इस पाठ को किस वर्ग के लोगों को पढ़ना चाहिए? उच्च या संपन्न वर्ग, वे पढ़ेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, मध्यम वर्ग,
हाँ पढ़ सकते हैं। निम्न वर्ग बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इनमें सभी हाँ ये भी पढ़ सकते हैं। गुस्सा हो ये चाहे कुछ हो या लेकिन ये जो सच्चाई है वो कही गई है, सही उत्तर डी होगा। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती, क्या सीख मिलती है? तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी संस्कृति को संरक्षित करना चाहिए, बिल्कुल। हमें दिखाव और आडंबर से मुक्त रहना चाहिए, बिल्कुल। हमें राष्ट्र के संपूर्ण विकास के हित में काम करना चाहिए, बिल्कुल। इनमें से सभी, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। तो बच्चे ये थे सभी एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट तीन के। इसके पहले मैंने लहासा की और दो बैलों की कथा, इन दोनों का भी एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर दी है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।